हाँ, तो एक बार फिर से आपका ये रेशपॉन्डे यूट्यूब चैनल पे बेहतरीन स्वागत। तो आप लोगों के लिए एक और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन अनबॉक्सिंग लेके आए हैं, जो कि है एक 4.1 होम थिएटर, जो कि आता है आईकाल जैसी ब्रांड की तरफ से। इसका नाम आपने कभी ना कभी सुना होगा, ऑफ कोर्स फॉर अ बैड रीजन। इनके बुरे कारनामे आपने बहुत सुने होंगे। तो ये मेरे को सेल में 1669 रुपए का मिल गया है। काफी ज्यादा सस्ता है ये, और इसमें कंपनी क्लेम करती है कि 80 वॉट का सिस्टम है। इसका नाम है आईकाल IK409, और आप बिल की डेट भी आप देख सकते हैं मैंने इसको कब खरीदा है, मतलब आज से लगभग 6 महीने पहले। कि कई बार भाई तुम अगले दिन ही वीडियो बना देते हो और झूठ बोलते हो कि तुमने इसे 6 महीने इस्तेमाल किया है। जो भी वीडियो बनाते हैं हम एकदम ओरिजिनल बनाते हैं, कोई फेक काम करने की जरूरत ही क्या है। अभी फिलहाल इसका रेट आपको 2000 रुपए के आसपास मिल जाएगा। सेल का इंतजार कर लीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसे 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये एक तरह से लॉन्ग टर्म रिव्यू इस तरह की डबल पैकिंग में आया। मॉडल नंबर है नीचे लिखा हुआ है IK409। तो ब्लूटूथ वाला 4.1 होम थिएटर सिस्टम है ये। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस सही में बहुत ज्यादा कम है। आजकल 4.1 2000 से नीचे नहीं मिलता, लेकिन ये जैसे मैंने आपको बिल में दिखाई दिया 1600 रुपए के आसपास मिल गया है। इसलिए मैं वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है। बाकी इसमें कनेक्टिविटी ऑप्शन आप खुद ही देख सकते हैं, सारे कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाते हैं विथ FM रेडियो। और यहाँ पे इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिया गया है। ऐसे तो मेरे को 80 वॉट बोल के बेचा गया था, लेकिन 20 प्लस 10 वॉट इंटू 4, 20 वॉट का बूफर है और 10-10 वॉट के 4 स्पीकर का इस्तेमाल किया गया। और इसका वेट आप देख सकते हैं 4.5 किलो है टोटल प्रोडक्ट का। फ्रीक्वेंसी वगैरह लिखी हुई है। ऐसे तो ये सब मेरे को नहीं लगता कि सही होता होगा। प्राइस और मार्केटिंग के बारे में मेंशन किया गया। मैन्युफैक्चर और पैकेट बाय राजीव चोपड़ा एंड कंपनी, और मार्केटेड बाय अल्फा रेडियो, C5 Sector 10 नोएडा। मतलब इसकी मार्केटिंग की कंपनी यही मेरे नोएडा में ही है। और यहाँ पे इसका प्राइस मेंशन किया गया 3000 रुपए, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ये आपको 1600 रुपए के आसपास मिल जाएगा ऑफर के तहत। तो चलिए इसको खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे 4 स्पीकर रखे हुए दिख जाते हैं, एक हमारा सब बूफर मेन यूनिट रखा हुआ दिख जाता है, और यहाँ साइड में पेपर वर्क वगैरह रखे हुए। एक तो ये FM रेडियो की वायर मिल जाती है इस तरह की, एक RCA टू ऑक्स केबल मिल जाती, बेसिक क्वालिटी जैसा रिमोट मिल जाता, एक वारंटी कार्ड कम यूजर मैन्यू, काफी छोटा छोटा लिखा है तो मैं चश्मा लगाए बिना पढ़ भी नहीं सकता। इसमें आपको 1 साल की वारंटी तो मिल ही जाती है, वो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा कहाँ से वारंटी क्लेम करें। यहाँ पे सब बूफर यूनिट रखा हुआ है, चलिए इसे निकाल लेते हैं, इसकी पैकिंग जल्दी जल्दी हटा लेते हैं। सब बूफर बाहर आ चुका है, देखने में तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। पूरा यहाँ पे ग्लॉसी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आईकाल की ब्रांडिंग मिल जाती है, ड्राइव लगा सकते हैं, मेमोरी कार्ड, ऑक्स, ये गाना आगे पीछे करने के लिए और या प्ले पॉज करने के लिए, और यहाँ से मोड चेंज करने का बटन मिल जाता है। इसका वॉल्यूम नॉब मिल जाता है, इसमें यहाँ पे आपको बेस कंट्रोल भी मिल जाता है। बैक साइड से देख लेते हैं, यहाँ पे सारे स्पीकर लगाने के, यहाँ पे FM एंटीना लगा सकते हैं। कई आपने देखे होंगे सिस्टम जिसमें पीछे से एक वायर निकला रहता है, कि बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, टूट टूट जाता है। 4 स्पीकर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, FM एंटीना दोनों में किसी में भी लगा सकते हैं। और ये ऑडियो इनपुट, इनपुट यानी कि भाई अपना ऑक्स केबल, ऐसे मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें ब्लूटूथ पहले से ही दिया गया है। और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, 2 पिन प्लग है, स्पीकर की तरफ आ जाते हैं। इस तरह का स्पीकर हमें मिल जाता है, और इसमें भी ग्लॉसी प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, और पीछे साइड नॉर्मल प्लास्टिक बिल्ड में है ये, और नीचे साइड इस तरह से रबर पैडिंग दी गई है। उससे कमाल की बात ये देखिए, मेटल का इस्तेमाल किया गया है, मेटल की मेश लगी हुई है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। अब जल्दी से इसे कनेक्ट करके साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट कर लेते हैं। इस वायर की लेंथ लगभग 1 मीटर के आसपास की है, साफ साफ लिखा हुआ है फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट, साइड राइट साइड लेफ्ट। तो ये हमने देखिए चारों स्पीकर इस तरह से सेट कर ली। अब चलिए इसे कनेक्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये ऑन होता है। इस तरह से ऑन हुआ है, और यहाँ से ब्लू कलर की लाइट शो हो रही है। तो अब चलिए इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं और एक दो गाना बजा के साउंड टेस्ट बेस टेस्ट कर लेते हैं। बैठे घर पे सबको एक साथ किया देश में। क्यों बोलूं घर का सपोर्ट नहीं, नहीं है, क्यों बोलूं जीवन ही कड़क नहीं, करना भी जरूरी है पर वो बोलूं जो बीता हो ये ना जरूरी है कहीं के रहा पर वो जो जीत। Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair. Going nowhere, I swear. Like an outlaw on the run. Dangerous, but it's so fun.
तो साउंड तो आप लोगों ने सुन ही लिया किस तरह का। हिंदी पंजाबी गाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दी हूँ। तीन फ्रीक्वेंसी को मिला के साउंड बनती है, हाईज, मिड और लोज। जैसा आपने खुद ही सुन लिया, लाउडनेस तो इसकी काफी ज्यादा है, सिंगल रूम के लिए तो बहुत ही मस्त है। लाउडनेस में तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। और रही बात ट्रेबल की, जो पायल की छनकार है, वो भी मतलब अच्छी है, डिसेंट। रही बात बेस की, तो हाँ, इसका बेस मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया। पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे इसकी जो डिजाइनिंग है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं करी गई, कि बेस में बिल्कुल भी डेप्थनेस नहीं है, बस लाउड लाउड सा ही बजता। मिड और हाईज अच्छा है। अगर आपको पुराने गाने सुनने पसंद है किशोर कुमार के, रफी साहब के, तब तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपको गाने सुनने पसंद है जिसमें बहुत ज्यादा बेस होता है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि इसका जो बेस है अजीब सी, इसमें कोई सेकंड साउंड आती है जो मेरे को पसंद नहीं आती। FM एक बार बजा के ऐसे देख लेते हैं, FM मोड पे आ गया ये, एंटीना लगा लेते हैं। मैंने FM एंटीना में इसको लगा दिया, तो अब इसको थोड़ा ऊंचा लेके जाते हैं ताकि सिग्नल ये अच्छे से पकड़ ले। देखा आपने, अगर आपके यहाँ सिग्नल आते हैं तो बहुत ही ज्यादा मस्त चलेगा इसका FM। और रही बात कि इसकी साउंड फटती है कि नहीं फटती, अगर आप इसे 80% वॉल्यूम से ऊपर चलाएंगे और बेस को भी फुल रखेंगे तब हाँ इसकी आवाज फटेगी। लेकिन आप इसे फुल पे चलाएंगे 100% पे और बेस को हल्का कम रखेंगे तब इसकी आवाज नहीं फटती है। मतलब इसके स्पीकर की आवाज बिल्कुल नहीं फटती है, लेकिन वही फटता है तो केवल बेस फटता है। मतलब नहीं है कि बेस सुनाई नहीं देता, सुनाई तो देता, समझ नहीं आता क्या बज रहा है। साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट तो बहुत हो गया, अब जल्दी से कर लेते हैं व्हाट इज इनसाइड। तो खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। यहाँ पे पेच लगे हुए हैं, सबको जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। आप इसको घर पे मत खोलिएगा वरना आपकी वारंटी चली जाएगी। यहाँ सब लोगों ने मैकेनिकल स्क्रू ड्राइवर ले लिया, यहाँ मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे कि मैं भी ले लूं। आप लोग शेयर नहीं करते हैं वीडियो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सारे पेच बाहर आ चुके हैं, कुछ इस तरह से पूरा बोर्ड बाहर आ चुका है। इसमें हमको वही सिंपल ओल्ड स्कूल 20-30 IC की किट मिल जाती है। 4 इंच का बूफर लगा हुआ दिख जाता है और एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ दिख जाता है जो कि 12 वोल्ट 1 एम्पियर के आसपास का लग रहा है देख के। VV कंपनी का लगा हुआ है, मतलब वही देसी ट्रांसफार्मर आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही इजीली रिपेयरेबल है। और यहाँ पे LM7805 IC लगी हुई है, ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो जिससे इसका फ्रंट का ब्लूटूथ मॉड्यूल वगैरह चलता है। कैपेसिटर लगे हुआ है, ये लगा हुआ है 25 वोल्ट 3300 UF के, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं। 3 20-30 IC लगी हुई दिख जाती है और सोल्डिंग वगैरह अच्छी करी गई है। और अच्छी बात यह है कि इसके जो वायर है देखिए अब काफी मोटे इस्तेमाल किए गए हैं, वरना इस तरह के वायर का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्पीकर भी खोल लेते हैं, इस तरह का स्पीकर इसमें लगा हुआ है जो कि देसी स्पीकर ही कहा जा सकता है। इसी क्या लिखा हुआ है, 8 ओम 4 ओम ये क्या कॉन्सेप्ट हुआ। प्राइस के हिसाब से तो काफी अच्छा है, अगर ये आपको 1600 रुपए के आसपास मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन वहीं पे अगर ये आपको 2000 रुपए के आसपास मिले तो मैं इसे रिकमेंड उतना नहीं करता। तो आप इसकी जगह पे ले सकते हैं ज़ेब्रोनिक्स का ये बात है, जिसका नाम है ज़ेब्रोनिक्स Z Field 4। तो ज़ेब्रोनिक्स की साउंड क्वालिटी इसके मुकाबले अच्छी है, तो दोनों मैंने बजा रखा है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।